जीवन का उद्देश्य नहीं है निकट भाव से टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हेलो एंड वेलकम टू ऑक्सफेम इंग्लिश प्रोग्राम, दिस इज याकूब अशरफी। यू नो एवरीबडी इज डाइंग टू गेट सक्सेस, बट ओनली डाइंग डजंट डू एनीथिंग, ट्राइंग डज एवरीथिंग। आज मैं आपसे ऐसी सीक्रेट शेयर कर रहा हूं जिसे आप करेंगे तो यकीन जाने कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और वो बहुत आसान है। आप सिर्फ इतना करें कि अपने हैबिट में थोड़ी सी चेंज लाएं, और वो चेंज आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डालेगी। बस इतना करें कि हर दिन कम से कम एक घंटे के लिए अपने मोबाइल को ऑफ कर दें, बिल्कुल मोबाइल से अलूफ हो जाएं, अलग थलग हो जाएं। उसके बाद क्या करें, बिला नागा विदाउट फेल हर दिन एक घंटा आप स्टडी करें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। आप जो कुछ भी पढ़ना चाहें पढ़ें, मैं आपको कुछ किताब सजेस्ट कर रहा हूं, इसे पहले जरूर पढ़ लें। नंबर वन, यू मस्ट रीड योर रिलीजियस बुक। नंबर वन, कम से कम एक घंटा भी आप अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ें, जरूर पढ़ें रिलीजियस बुक। आप पूछेंगे आखिर क्यों पढ़ें। फ्रेंड्स, दुनिया में हर एक कंपनी जो सामान बनाती है, चाहे वो जो भी कंपनी हो, इवन छोटी से छोटी कंपनी बनाने वाली, वो यूजर्स मैनुअल देती है, यानी जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए एक छोटी सी यूजर्स मैनुअल होती है। और जो प्रोडक्ट जितना वास्ट होता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके यूजर्स मैनुअल भी उतने बड़े होते हैं, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आप इनरवेयर खरीदेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक स्टिकर होता है या उसी पे कुछ थोड़ा लिखा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, कलम पे भी लिखा होता है, राइट। और अगर आप उस प्रोडक्ट को यूजर्स मैनुअल के अनुसार उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी भी बढ़ेगी और उससे आप फायदा भी उठा पाएंगे, अदरवाइज उल्टा वो आपको नुकसान दे सकता है। इसी तरह से यूजर्स, जब आप जरा गौर करें, ये छोटी छोटी जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती है वो भी हमें यूजर्स मैनुअल देती है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो क्या ये दुनिया इतनी वास्ट है जिसकी वास्टनेस को आज तक कोई नहीं समझ पाया, तो इसके बनाने वाले ने हमें यूजर्स मैनुअल नहीं दिया है? यकीनन दिया है। हमारे पास यूजर्स मैनुअल है, यानी वो रिलीजियस किताबें हैं जो हम नहीं पढ़ते। हर दिन कम से कम एक घंटा हम वो यूजर्स मैनुअल यानी रिलीजियस बुक पढ़ें, एंड वी मस्ट ट्राई टू लीड आवर लाइफ अकॉर्डिंगली। नंबर वन, यू मस्ट रीड यूजर्स मैनुअल। बिसाइड्स, ये कुछ किताब मैं बता रहा हूँ, चार किताबें आप पहले से पढ़ जाएं, और पढ़ने के बाद फिर मुझे कॉमेंट में लिखिएगा कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, क्या चेंज आया है। यकीन जाने You will feel sea change in your personality, and of course, you will be on the right path of success. Number one, stop worrying, start living. The writer is Dale Carnegie. Stop worrying, start living. Number two, how to make friends and influence people. Again, the writer is Dale Carnegie. Seven, habits of highly effective people are Covey. R. Covey, and the next book is beautiful, and it is The Monk Who Sold His Ferrari. The Monk Who Sold His Ferrari. आप इन किताबों को पहले आप पढ़ें। You know, the question is how to read. Make sure कि while reading, you must read aloud. Read in your tongue. Don't read in your mind. उसे आप आवाज के साथ पढ़ें और फील करें, विजुअलाइज करें। जब आप पढ़ें, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे विजुअलाइज करें। और याद रखिए, हमें सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं करना है, उसे चू करना है, चबाना है, धीरे धीरे पढ़ें। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसे इंप्लीमेंट करें, सोचें, रीथिंक करें। आप ये करके देखिए और उसके बाद फिर कॉमेंट कीजिएगा कि आप में क्या बदलाव आया है। जब ये आप कर लेंगे तो फिर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा हमें नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या होगा। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे ओनली, because tomorrow never comes. I keep my fingers crossed for your grand success. Thank you.